मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हेलीपैड से उतरकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रोड का कार से निरीक्षण किया तथा अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। कार्यक्रम में मंच पर जनपद के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह, चंचल विधायक श्रीमती सुनीता सिंह, डॉक्टर संगीता बलवंत, अलका राय जी उपस्थित। कार्यक्रम स्थल पर नपा अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, दिलदार नगर नगर पंचायत अध्यक्ष अविनाश जायसवाल, विजेंद्र राय, जिला महामंत्री ओम प्रकाश राय, दयाशंकर पांडे, श्याम राज तिवारी, अवधेश राजभर, अखिलेश सिंह, रुद्रा पांडे, सुमित तिवारी, मुराकू राजभर, जितेंद्र नाथ पांडे, नरेंद्र सिंह, परीक्षित सिंह, अच्छे लाल गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, विष्णु प्रताप सिंह, लालसा भारद्वाज, इतवारी राजभर, अखिलेश राय, संतोष गुप्ता, मयंक राय भी उपस्थित रहे। संवाददाता धर्मेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। रहे होंगे लेकिन अब इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपके सामने है और इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे का मतलब यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर का सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला एक मार्ग। हरेक जनपद में हम लोग विकास के, औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो और यह कार्य यहां पे रोजगार सृजन, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो, यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक हर हाल में ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और इसमें यातायात प्रारंभ हो। यद्यपि हम लोग इसको दीपावली तक पूरा करना चाहते थे लेकिन कोरोना के कारण लगभग 5-6 महीने हम लेट हुए हैं। आप सब जानते हैं कोरोना वैश्विक महामारी थी, सारी गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी लेकिन अब कोरोना पर नियंत्रण किया जा चुका है। सावधानी अभी भी आवश्यक है लेकिन भारत दुनिया के अंदर मात्र एकमात्र देश है जिसने दो स्वदेशी वैक्सीन भी अपने लोगों को बचाने के लिए लॉन्च कर दी हैं और वैक्सीन इस समय लग रही है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में वैक्सीन निर्माण की कार्रवाई सफलतापूर्वक भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन विकास का यह मॉडल हमारे जीवन में और भी अधिक खुशहाली लाने के लिए आवश्यक है और इसी दृष्टि से आज यह एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए ही आज मैं सुबह से निकला हूं। मैं हैदराबाद से लेकर के और पूरे लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे के हरेक जनपद में इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।